जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार मैं हिमालय के उस बेटी के बारे में बता रहा हूँ जिसे देश और समाज से विलग होने की ऐसी सजा मिली कि लोग आज उसे याद करना नहीं चाहते। जो याद करते भी हैं उसे याद दिलाना नहीं चाहते और जिसे अधिकतर लोग भुला चुके हैं। मैं भी सिर्फ इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि भावी पीढ़ी भी याद रखे कि देश और समाज से अलग रास्ता अपनाने वालों का क्या हश्र होता है। वह थी अल्मोड़ा के बड़ी धोती के पंत ब्राह्मणों की बेटी, नाम था शीला आयरीन पंत उर्फ रआना लियाकत अली, जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान की बेगम थी और इस नाते वह थी फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। अल्मोड़ा के ईसाई बन चुके पंतों के परिवार से संबंधित शीला आयरीन पंत का जन्म 13 फरवरी 1905 को अल्मोड़ा में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम था शीला आयरीन रूथ पंत। जबकि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान करनाल के नवाब के बेटे थे। वे आयरीन पंत से लगभग 10 साल बड़े थे और आयरीन उनकी दूसरी पत्नी थी। 4 साल प्रधानमंत्री पर रहने के बाद लियाकत अली का समय में रावलपिंड में कत्ल कर दिया गया था। आयरीन के परिवार के ईसाई बनने पर अल्मोड़ा के पंत समाज ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया था, सामाजिक तौर से उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि तब पहाड़ में गिने चुने दलित परिवार ही ईसाई बनते थे। कहा जाता है कि आयरीन पंत के दादा तारा दत्त पंत ने 1874 में ईसाई धर्म अपनाया था। कुमाऊं के बड़ी धोती के ब्राह्मण परिवार के लिए ईसाई बन जाने से कुमाऊं समेत पूरे उत्तराखंड में तहलका मच गया था। कुमाऊं के ब्राह्मणों ने उनके इस कृत्य को कभी माफ नहीं किया और उन्हें घटा श्राप की रीति से मृत घोषित कर दिया था। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनके पिता ब्रिटिश सेना में अफसर थे। अंग्रेजों के साथ काम करने के कारण उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो अपना धर्म बदल लें तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरक्की मिलेगी। इस कारण वे क्रिश्चियन बन गए और सेना में मेजर जनरल के पद तक पहुंचे थे। लेकिन बात यहीं थमने वाली नहीं थी, अभी बात बहुत आगे बढ़ने वाली थी। जब शीला आयरीन पंत ने 1931 में इस्लाम धर्म कबूल कर लियाकत अली से निकाह रच लिया और वह मुसलमान बन गई, तो कुमाऊं के बड़ी धोती ब्राह्मणों के लिए यह दूसरा झटका था जिसे वे सहन नहीं कर पाए। इस तरह आयरीन के पहाड़ के ब्राह्मणों के लिए के दरवाजे आयरीन के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए थे। बात इससे भी आगे तब बढ़ी जब वह पाकिस्तान के हिमायतियों के साथ खड़ी हो गई थी। वह लियाकत अली के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की पुरजोर मांग में शामिल हो गई थी। इससे उत्तराखंड समेत पूरे भारतीय समाज ने उन्हें याद करने की कभी आवश्यकता नहीं समझी। धर्म बदलना उनकी निजी स्वतंत्रता थी, लेकिन देश विभाजन और पाकिस्तान की मांग करने वालों के साथ आरीन का खड़ा होना ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया था, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सका और ना किया जा सकेगा। आरीन पंत की शिक्षा लखनऊ के लालबाग स्कूल और फिर आईटी कॉलेज में हुई थी। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली से मिलने की भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि उन दिनों में बिहार में बाढ़ आई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने तय किया था कि वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके बिहार के लिए कुछ पैसा जमा करेंगे। आरिन पंत टिकट बेचने के लिए लखनऊ विधानसभा गई और वहीं उनकी मुलाकात लियाकत अली खान से हुई। बाद में जान पहचान का सिलसिला शुरू हुआ और 16 अप्रैल 1933 को दोनों ने निकाह कर लिया था।
लियाकत अली उनसे 10 साल बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे, उनका एक बेटा भी था। बहरा शादी के बाद आइरीन का नया नाम रखा गया गुल एर अराना। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि निकाह के बाद उनका नाम कहकशां रखा गया था। इस तरह वह लियाकत अली की बेगम बन गई थी और पाकिस्तान के निर्माण में भी शामिल हो गई थी। पाकिस्तान में वह राना लियाकत अली खान के तौर पर जानी गई और ज्यादातर लोग पाकिस्तान के लोग उसे बेगम राणा लियाकत अली खान के तौर पर ही याद करते हैं। इस तरह लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और राणा वहां की फर्स्ट लेडी। लियाकत अली ने अपने मंत्रिमंडल में आइरीन पंत को भी अल्पसंख्यक और महिला मंत्री बनाया था, परंतु चार साल ही वे प्रधानमंत्री रह पाए और रावलपिंडी में उनकी हत्या कर दी गई थी। आइरीन के दो पुत्र भी हुए हैं। पति की मृत्यु के बाद बहुत से लोग सोच रहे थे कि आइरीन भारत वापस चली जाएगी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया था। आइरीन को पहले हॉलैंड और फिर इटली में पाकिस्तान का राजदूत बनाया गया। वह सिंध की राज्यपाल भी रही। भुट्टो ने भी उनको मंत्री बनाया था। आइरीन को हॉलैंड ने अपना सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड ऑरेंज अवार्ड भी दिया। आइरीन को उनकी सेवाओं के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया। उन्हें मादरे पाकिस्तान का खिताब भी मिला। 30 जून 1990 को 86 साल की उम्र में आइरीन ने अंतिम सांस ली थी। आइरीन लंबे कद की गोरी और सुंदर युवती थी। प्रगतिशील विचारों की आइरीन कविताएं भी लिखती थी। वह पढ़ाई के साथ समाज सेवा का भी काम करती रहती थी। कहते हैं कि एक बार लियाकत अली ने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा था कि आप अपने अकेलेपन को देखते हुए दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पर जिन्ना का जवाब था कि मुझे दूसरी राणा ला कर दे दो, मैं तुरंत शादी कर लूंगा। पाकिस्तान को अपना घर बनाने वाली आइरीन को 3 बार भारत भी आई थी, लेकिन वह अल्मोड़ा कभी नहीं गई, लेकिन अल्मोड़ा को वह भुला भी नहीं पाई थी। कहते हैं कि वह मंडुआ की रोटी, कहत की दाल और दाड़िम को हमेशा याद करती रही। आइरीन का एक भाई भी था और कहते हैं कि वह भी पाकिस्तान चला गया था और वहां बड़े ओहदों पर रहा। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत जमशेद मार्कर कहा करते थे कि जब राणा लियाकत अली किसी कमरे में घुसती थी तो वह अपने आप रोशन हो जाता था। यह उनकी तारीफ में बातें कही गई थी। कहते हैं कि भारत विभाजन के बाद जब वह अपने पति के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना हो रही थी तो दिल्ली के अपने बंगले से जब सामान बांधा जा रहा था तो उसने कहा था कि वह एक कालीन को अपने साथ अवश्य ले जाएगी, और वह कालीन वह इसलिए कि वह उसकी मां ने उसे दी थी। इस तरह जायरीन 1947 में लियाकत अली और अपने दो बेटों के साथ पाकिस्तान के लिए हवाई जहाज से रवाना हो गई थी। यह उनका एक पक्ष था, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि उसने जिस पुरुष से शादी की थी हमेशा उसके साथ उसने साथ निभाया, भले ही उसे उसने अपने समाज और देश से भी लोहा लेना पड़ा था और दूसरा रास्ता अपनाया था। यही नहीं, आइरीन ने लियाकत अली की हत्या के बाद अपनी पूरी जिम्मेदारियां भी निभाई थी और अंत तक वह पाकिस्तान के लिए समर्पित रही। तो यह थी आइरीन की कहानी, जिन्हें देश विभाजन और पाकिस्तान के साथ जुड़ी कड़वी स्मृतियों के कारण कोई भी याद नहीं करना चाहता है। आइरीन की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य लिखें।
हम आपके लिए इस तरह की और भी कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी नई कहानी के आने तक आप इंतज़ार कीजिए। तब तक जय भारत, जय हिमालय।